सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो पोकेमोन यूनाइट। तो कैसे गाइज आप लोग, एंड फाइनली गाइज आप लोग अच्छे हो गए। मैं सौरव गाइज और आज हम खेलने वाले हैं भाई गार्ड वॉर के साथ में। तो गाइज गार्ड वॉर को मैं आज भाई 6 मंथ बाद भाई इसको यूज़ कर रहा हूँ, भाई 6 महीने बाद इसको यूज़ कर रहा हूँ गाइज। एंड आप लोग वही चैनल पर देख सकते हो, इससे मैंने काफ़ी टाइम हो गया भाई इसकी वीडियो डाली ही नहीं है। एंड आज फाइनली भाई मैंने सोचा लगा ना भाई एक ऐसा पोकेमोन ढूंढते जिसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो गार्ड वॉर निकली थी गाइज, जिसको मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं किया। और गाइज इसमें जो बिल्ड होने वाले हैं, तो मैं सोचा आपको लोगों को बताया था भाई गार्ड वॉर में न्यू बिल्ड होने वाले हैं एंड इसके जो एम्बलम्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाले हैं गाइज। और गाइज देखो, जो भी बंदा गार्ड वॉर को चलाता है एंड यूज़ करता है, तो सबसे पहले यार इस वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज ये मास्टर गेम प्ले है, तो जो बंदा न्यू हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो फिलहाल गाइज अपने गेम प्ले पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर गाइज हमारा गेम प्ले स्टार्ट होता है सेंटर फार्म से, जो कि मेरे को स्टार्टिंग मिल जाता है गाइज। और सेंटर फार्म लेने के बाद गाइज चलते हैं अपने सीधे यार टॉप पर। तो टॉप पर रोटेशन देने के लिए आता हूँ गाइज मैं, एंड आप लोग देख सकते हैं मैं 5 लेवल का हो जाता हूँ। मेरी एक मूव सेट है गाइज वो ओपन हो जाती है, वो है यार फ्यूचर साइड। तो गाइज आप लोगों को पता होगा फ्यूचर साइड का क्या बेनिफिट है गाइज। ये बेनिफिट है अगर आप जब भी बंदे पर ये फ्यूचर साइड चलाते हो तो बार बार भाई ये रिस्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो बार बार मतलब आती रहेगी, आपको जितनी बार चलाना है आप उतनी बार भाई इसको मार सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई इसकी जो कूलडाउन है काफ़ी जल्दी हो जाती है, 1 सेकंड का होता है ओनली, ठीक है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी डैमेज करने के बाद मैंने थोड़ा सा गोल भी कर दिया, और गोल करने के बाद फिर से मैं थोड़ा सा फार्म करता हूँ, ठीक है। तो फार्म करने के बाद गाइज मेरे पास आ जाती है मून ब्लास्ट, जो कि मेरी सेकंड मूव सेट है गाइज। एंड गाइज यहाँ पर आता हूँ मैं बॉटम में रोटेशन देने के लिए। तो बॉटम में गाइज आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बंदे होते हैं और यहाँ पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा पुश भी कर रहे हैं। तो चलो गाइज देखते हैं इन लोगों को, भाई 1 HP का छोड़ता हूँ यहाँ पर मैं। और गाइज आप लोग देख सकते हो भाई 1 HP का बच के भाग गया। तो चलो यार कोई बात नहीं, अब चलते इसी सेंटर में, बिकॉज सेंटर में आ गई होंगी यार बटरफ्लाई, तो जिसको लेने के बाद मेरी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। एंड गाइज भाई सब कुछ लेने के बाद अब आता हूँ फिर से मैं टॉप पर, और टॉप पर आते ही भाई आप लोग देख सकते हो मैंने यार एक बंदे को फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर मेरा जो फ्यूचर साइड का डैमेज वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जा रहा है, बिकॉज जो मेरी लेवल है वो 8 है। तो 9 लेवल वहाँ पर आपको लोगों को पता है यार इसकी यूनिट में वो ओपन हो जाती है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इनका स्लोब्रो जो कि डैमेज काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ले रहा है, तो स्लोब्रो यही करता है गाइज। और यहाँ पर हमारा जो ब्लास्टर जो अभी तक यार बड़ा नहीं हो पाया, बट कोई नहीं मैं इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी दे रहा हूँ। चलो यार इसको हम लोगों ने डैमेज दे दिया है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रेजी लेके आ गया है। और हम लोग देखते हैं भाई क्यों ना पुश कर दिया जाए इसको, तो मेरी यार थोड़ी सी देख सकते हैं थोड़ी सी लेवल ले जाती है 9 लेवल होने में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जल्दी से जल्दी मारते हैं गाइज, और इसको मैंने स्टन मारा भाई ये खत्म। चलो यार ये बंदा फिनिश है। तो मेरी यहाँ पर गाइज यूनिट मूव है वो ओपन हो जाती है। तो यूनिट मूव ओपन होने के बाद गाइज मैं सोचता हूँ चलो यार पुश कर दिया है, तो मेरे पास 30 का गोल होता है भाई। देखो मतलब गोल ये बंदी करने नहीं दे रही थी, बट फाइनली ये मर जाती है, एंड मेरा जो 30 का गोल है वो हो जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पर मेरा यार 30 का गोल हो जाता है गाइज। तो इनका जो गोल होता है वो टॉप का, वो भी डेस्ट्रा हो जाता है। तो गाइज आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होता है क्या, अगर देखो ये पोकेमोन के ऊपर होता है गाइस, वो क्या होता है कि अगर आप देखो गोल करते हो ना, गोल के ऊपर होता है कि पोकेमोन कितनी जल्दी गोल कर रहा है। तो गार्ड वॉर का सबसे लास्ट में गोल लगता है गाइस, आप लोगों को पता होगा। एंड टाइटार का सबसे जल्दी गोल लगता है, ठीक है। तो गार्ड वॉर मतलब आप लोगों को पता है जब भी गोल करती है भाई फाइनली रह जाती है, बिकॉज वो काफ़ी स्लो कर पाती है गोल। तो बट फाइनली यहाँ पर मेरा गोल लग जाता है गाइस, और गोल लगने के बाद आप लोग देख सकते हो मैंने काफ़ी ज़्यादा पुश भी करते हैं यहाँ पर। और भाई देखो इन बंदों को कैसे मैंने मजा चखा भाई यूनिट चला के। तो यूनिट मेरी काफ़ी अच्छी चली थी गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई इन लोगों को मतलब काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी दिया मैंने। बट गाइस इनकी जो अपोनेंट की भाई कॉम्फी होती है वो बच के निकल जाती है गाइस, और यहाँ पे हम लोग काफ़ी फ्री पुश कर देते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं यार स्लोब्रो को फिनिश कर देता हूँ। तो स्लोब्रो को फिनिश करने के बाद यार इनकी जो कॉम्फी है वो हीलिंग काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है उन लोगों को, और ये स्टन भाई एक से एक दिया जा रहा है मेरे को। बट कोई नहीं, यहाँ पर पहले इसको फिनिश करते हैं गाइज। और यहाँ पर देख सकते हो इनका भाई ये गार्चोम फिनिश है। अब बचा भाई ये 9 टेस है भाई, 9 टेस सीधे देखो इजेक्ट का यूज़ करके भाई यूनिट चलाती है, एंड हम दोनों को भाई फिनिश कर देती है। बट कोई नहीं गाइज, आपका भाई फिर से लौट के आ गया है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोग फिर से भाई पुश करते हैं और रेजी लेके आ गया होता है। तो जल्दी से जल्दी इसको मेल्ट करते गाइज, और इनके 2 बंदे वो डेड है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो मेरा डैमेज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जा रहा है। बेसक इनके यार अपोनेंट में आप लोग देख सकते हो स्लोब्रो है, जो कि डैमेज अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा ले रहा है। बट हमारे साथ में भी यार आप लोग देख सकते हो कौन है यार, वो है यार ब्लास्टॉइड, जो कि काफ़ी बढ़िया खेल रहा है गाइस। इसका डैमेज काफ़ी अच्छा जा रहा है, मतलब रैंडम बंदे हैं आप लोगों को यार देखो बता नहीं भूल गया मैं गाइस, ये देखो सोलो क्यू मैच है एंड भाई ये 4 बंदे हैं वो रैंडम प्लेयर्स हैं, ठीक है। बट गाइस काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा कैरी किया। आप चलते भाई इस एक्सपीड का यूज़ करके भाई देखो मेल्ट करता है यहाँ पे ये लोग, और यहाँ पे देखो मैं इसको स्टन मारता हूँ। तो वैसे मैं इन लोगों को रोक रहा हूँ गाइस काफ़ी ज़्यादा, बट हम लोगों को यार बॉटम वाला भाई रेजी स्टील मिल जाता है। एंड टॉप का भाई देख सकते हो रेजी लेगी काफ़ी ज़्यादा हार्ड पड़ रहा है हम लोगों को लेना। बट कोई नहीं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनका एक बंदा वो डेड एंड स्लोरो बचा भाई। चलो यार यहाँ पर थोड़ा बैक रहते हैं, बिकॉज यहाँ पर गार्चम्प आता है। तो गार्चम्प आने के बाद इससे तो 1v1 करना बिल्कुल बेकार है, बिकॉज आप लोग को पता है ईजिली निकाल देगा। एंड यहाँ पर यूनिट चलाता है गाइस, तो यूनिट में तो मतलब फंसना इसकी बेकार है। अगर आप गार्चम्प यूनिट चला रहा है तो इजेक्ट मारो एंड सीधे निकल जाओ, ठीक है। बट गाइज यहाँ पर हम लोग सीधे यार गार्चम्प को फिनिश कर देते हैं, बिकॉज हम 2 बंदे होते हैं यहाँ पर। एंड फाइनली हम लोगों को रेजी लेके मिल जाता है गाइज। अब चलते हैं भाई सीधे पुश कराने के लिए। वैसे मेरे पास तो यूनिट नहीं है भाई, देख सकते हो यार एक ही बंदा है इसके पास यूनिट है भाई, ये है भाई सीजर, ठीक है। एंड हमारा 4 यार पता नहीं कहाँ है भाई, उसके पास यूनिट वो आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये सीधे बंदा यूनिट चला देता है और हम लोग सीधे कराते हैं पुश। तो यहाँ पर ये बंदे भी यूनिट चला देते हैं, और मेरे पास वैसे यूनिट नहीं, बट मैं भाई देख सकते हो दूर से यार डैमेज लोगों काफ़ी दे रहा हूँ, बट इनकी HP कम ही नहीं हो रही, ठीक है। तो चलो यार यहाँ पर भाई 4 यार आ चुका है, और देखते भाई यूनिट चलाता नहीं चलाता। चलो यार देखते गाइस, जो डैमेज तो मैं काफ़ी दे रहा हूँ, मेरी यूनिट भी आने वाली थोड़ी सी रह गई है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं यूनिट चलाता हूँ सीधे में यूनिट आने के बाद। और गाइज आप लोग देख सकते हो मैं एक बंदे को फिनिश कर देता हूँ, तो यहाँ पर चार यार्ड भी यूनिट चलाते हैं गाइज, और यहाँ पर इनकी 19 से वही फिनिश हो जाती है। अब बचा भाई गार्चोम ये भी फिनिश हो जाता है, तो तीन बंदों को गाइज मैं अकेले ले जाता हूँ। वैसे मेरे चार यार्ड ने काफी ज्यादा हेल्प किया यार। तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हो मेरा 50 का गोल लग जाता है, एंड भाई देखो 34 का गोल है, मैं अलग से और कर देता हूँ, तो इनका फाइनली गोल टेस्टर हो जाता है गाइज। हम लोग काफी लीड में आ चुके हैं गाइज, और आप लोगों को बता दूं गाइज अब इसमें जो बिल्ड होने वाले गाड़ी में ये यूज़ कर रहा हूँ गाइज, तो वो होने वाले हैं चॉइस स्पेक्स वाइस ग्लास है, एंड गाइस तीसरा है स्पून। यस गाइस ये तीसरा अलग मतलब बिल्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन होने वाला है, तो आप इसको ट्राई कर लेना। और रही बात एम्बलम्स की, वो आप लोग स्टार्टिंग में देख लिए होंगे, अगर किसी ने नहीं दिया है भाई तो जल्दी से जल्दी जाओ उसको देख के आओ, वो पूरा भाई डैमेज तो वही करते हैं ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फाइनल स्ट्रेस हो चुकी है, और हम लोग अभी भी ह्यूज लीड में गाइस। अब चल देखते हैं भाई क्या होने वाला है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे साथ यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्या यहाँ पर मेरे पास भाई यूनाइट नहीं होती है, तो मतलब आप लोगों को पता है जब यार लास्ट मतलब फाइट में यूनाइट ना हो तो आपकी टीम का क्या ही होगा ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉप का जो भाई गोल अभी तक डेस्ट्रॉय नहीं हो पाया है, एंड मैं सोचा चलो यार मेरे पास यूनिट आ जाएगी, क्योंकि भाई आप लोग देख सकते हो 80% चार्ज हो चुकी है, तो पता नहीं ये बंदा कौन मेल्ट कर रहा है, ये लोग भाई सीधे मेल्ट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे को यार सेंटर में जानी पड़ता है। तो गाइस की चालाकी देखना भाई, ये स्लो रो की चालाकी होती क्या है, यहाँ पर ये देखो हम लोग को फंसाए रखता है, एंड फाइनली यहाँ पर ये देखो भाई गार्चोम्प सीधे भाई ले लेता है रक्वाजा को, ये लोग भाई रक्वाजा ले लेते हैं, हम सोचते हैं अब क्या होगा भाई, अब तो हम कैसे भी नहीं जीतने वाले। तो यहाँ पर गाइस उन लोगों को मारने के बाद मैं सीधे आता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो बॉटम में, जो कि इसकी शील्ड तोड़ने के लिए, और यहाँ पर फाइनली यार देखो सिंड्रेस की जो शील्ड है वो टूटने जाती है ठीक है, सी टूट जाती है, और यहाँ पर इसको चलो यार मारते हैं, एंड यहाँ पर इनका एक बंदा वो फिनिश हो जाता है। अब बचा भाई ये गार्चोम्प, तो यहाँ पर मैं यूनिट चलाता हूँ, तो मतलब आप लोग देख सकते हैं भाई यूनिट चला के भी कुछ नहीं हो पाया, इसने भाई सीधे गोल कर दिया, तो वैसे मेरे को निकाल देता अगर मेरे पास यहाँ पर मून ब्लास्ट नहीं होती। और इनकी देखो भाई देख सकते हो कैसे गोल करने जा रही है यार, आप लोग देख सकते हो कॉम्फी, एंड कॉम्फी ने इसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसकी शील्ड तो हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दी है, एंड यहाँ पर देख सकते हो स्लो ग्रो आ गया, वैसे गोल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर इन लोगों को भाई दो बंदे डेड है, एंड बच्ची भाई ये बंदी फिनिश होने वाली कॉम्फी इनकी, चलो यार ये बंदी फिनिश है, तो इनके तीन बंदे का डेड है। तो यहाँ पर इनको हम लोगों को एक बेनिफिट क्या होता है पता है क्या, तो यहाँ पर वैसे मेरे पास यूनिट तो है नहीं, बट इनका देखो गाइस बॉटम का जो गोल है वो अभी तक किसी ने भाई डैश ड्राइव नहीं किया है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे भाई देखो रैंडम प्लेयर्स हैं हम चारों, मतलब सोलो की मैच कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो हम लोग पांचों भाई एक साथ में आ जाते हैं, और यहाँ पर सीधे करते हैं पुश। तो यहाँ पर हम लोगों ने भाई देखो मैं पहले 24 का गोल करता हूँ, मेरा थोड़ा सा रहता है, मैं सोचता हूँ भाई उसके पास 50 का गोल है, तो यहाँ पर मैं तुरंत रोक देता हूँ एंड उसका 100 का लगवा देता हूँ। अब बचा गाइस इनका ये टॉप मतलब बॉटम वाला फिर से गोल, तो इसको भी हम लोग सीधे पुश करते हैं, और यहाँ पर मेरे पास 24 का गोल होता है जो कि ईजिली हो जाएगा। चलो यार ये गोल इनका डैश ड्राइव हो गया गाइस, हम लोगों ने इतना बढ़िया पुश किया गाइस, मेरे को लगा भाई क्या ही रैंडम बंदे मतलब इतना अच्छा खेल रहे हैं यार। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिर से आगे गार्चोम्प, अब तो गाइस ये मरने वाला भाई खत्म, चलो इसकी एक ऐसी बची है। तो मेरे पास भाई 10 का गोल होता है जिसको इजीली मैं कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गोल कर दिए गाइस, मतलब उनसे ज़्यादा मैंने गोल कर दिए ठीक है। तो चलो गाइस चेक कर लेते हैं भाई क्या रहता टोटल गोल। सो फाइनली गाइस हम लोग विन हो जाते हैं भाई, आप लोग देख सकते हैं 521 का गोल किया हम लोगों ने, एंड MVP आप लोग देख सकते हैं भाई मैं ही बनाऊँ 203 का मैंने टोटल गोल किया, एंड मेरे किल देख सकते हो गाइस 10 किल किए हैं 12 का सपोर्ट है। गाइस अब बात कर लेते भाई डैमेज की, डैमेज क्या रहता है मैं, तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो यार मेरा 1,00,000+ डैमेज है भाई इस बिल्ड से, आप लोग देख सकते हो इसको ट्राई करना। एंड रही बात एमलम्स की, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे, तो गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने रक्वाजा हार दिया यार, फिर भी हम मैच जीत गए। अगर आप भाई रक्वाजा हार जाते फिर भी आप मैच को भाई पूरा खेलना है, उसको भाई पूरा कंप्लीट करना ठीक है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, तब तक के लिए बाय बाय, अब मिलता हूँ सीधे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।